हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विपिन क्रिएटिव माइंड। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे बच्चे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस रेसिपी को फास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है कोकोनट। ये आप मार्केट से ले सकते हैं। ये देखिए कोकोनट का बुरादा है, ये इस टाइप से ये शॉप पे इजीली मिल जाता है। ये शुगर है, शुगर को मैंने ग्राइंड किया हुआ है। आप इस तरीके से घर पर भी शुगर को ग्राइंड कर सकते हैं। ये मैंने काजू लिया है, काजू को ग्राइंड किया हुआ है। ये मलाई ली है, घर में ही जो दूध के ऊपर से मलाई आती है वो ली हुई है। और ये जो है ये बादाम है, बादाम को मैंने ये ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। एक बाउल में आप ये मैंने एक कप कोकोनट लिया है, ये हो गया मेरा एक कप कोकोनट। इसमें मैंने 2 चम्मच काजू का पाउडर मिक्स किया है। दो चम्मच इसमें मैंने बादाम का पाउडर मिक्स किया है। ये सब मैंने घर पर ही ग्राइंड किए हुए हैं। ये मेरी पिसी हुई शुगर है, आधा कप मैंने इसमें शुगर मिक्स किया है। और ये है हमने इसमें आधा कप मलाई मिक्स की है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, दे सकते हैं। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें थिक ही रखना है, पतला नहीं करना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये हमारा मोदक बनाने वाला एक सांचा है। ऐसे मोल्ड लेना है या फिर आप इसके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं। मैं इस शेप का बनाने जा रही हूँ। ये लेने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद इसको प्रेस करना है आपको। जो ये एक्स्ट्रा है इसको या तो इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना है। इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये इस तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे।